हेलो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट चैप्टर, ओपन योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 12, ओके। अपनी बुक में न्यू पेज से न्यू चैप्टर लिखना है, ऊपर हेडिंग डालोगे चैप्टर नंबर 12, हाउ हैवी एंड हाउ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम। जो अपनी बुक में ऊपर लिख देना मार्जिन में चैप्टर नंबर 12, आज की डेट, जो आप जो दिन लिखते हो उसी की। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट। हेत एंड मनु वेर सिटिंग शिफ्टिंग हाउस। ओके, जैसे हेत एंड मनु वो घर बदली कर रहे हैं। दे लोडिंग लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन अ हॉर्स कार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, जिसे उसने सभी चीज की उसने हॉर्स कार्ट्स में उसने सब कुछ अपनी चीज रख दी। देयर वेयर मेनी थिंग्स लाइक वॉटर टैंक। ओके, उसमें कई कौन कई ज्यादा उसमें चीज यानी वस्तु होती, जैसे कि वॉटर टैंक, फाइव सेक ऑफ वेट्स, थ्री टेबल्स एंड अलमारीज, फोर चेयर्स, टू मैट्रेसेस, थ्री शेक्स ऑफ राइस, बम्बू लेडर, पॉट्स एंड पैंस। ओके स्टूडेंट्स, इससे कई ज्यादा चीज थी, जैसे व्हेन दे वेर रेडी टू मूव। ओके, और वो हॉर्स कार्ट चलने वाली थी, लेकिन द हॉर्स रिफ्यूज टू स्टार्ट। ओके, वो चलने लगी लेकिन उसे वो आगे नहीं चली सकती, जैसे कि वो आगे बढ़ी नहीं। दे वंडरेड व्हाई, वो क्यों नहीं चल रही थी आगे। देयर फादर सेड दैट हिज हॉर्स वाज नॉट वेल एंड वुड नॉट पुल अ लोड हीवियर देन 700 kg। ओ, बट हाउ हैवी इज दिस लोड, दे आस्क। जैसे कि उसके पापा ने बोला, फादर ने, कि ये हॉर्स कार्ट सिर्फ 700 kg ही वो हैविंग कर सकती है, यानी वो अपना हैव भार उपा सकती है, जैसे कि वो। लेकिन वो है तेन मनु, वो बोल रहे कि इसमें कितना होगा, जो वो आगे नहीं बढ़ रही है, जिसे कितना हमें निकालना होगा, जो नहीं होगा, जैसे कि वो बाहर हमें निकालना होगा। ओके स्टूडेंट्स, फादर्स गेव देम सम आइडियाज ऑफ द वेट्स ऑफ ईच थिंग। उसके फादर ने सभी चीजों की उसने आइडियाज दिए कि वो कौन सी चीज कितने वेट की होगी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे देखो, फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट। ओके, तेमने इस हॉर्स कार्ट में कुल टोटल कितने वेट्स होंगे उसके उसने ते हमें यहाँ पे बताना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे बताया है, जैसे थिंग लोडिंग एंड वेट्स। ओके, जो नाउ, जैसे कि जो ये टेबल तैयार किया गया है वो उसी टेबल, जैसे नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट्स। उसे यहाँ से कार्ट में से वो चीज निकालनी है जो होश में कम हो, जैसे कि हमें यहाँ पे टेबल तैयार कर किया है, जैसे थिंग लोडेड थिंग्स ऑफ थिंग्स वेट्स वेट्स प्राइस एंड टोटल वेट्स, जैसे कि कौन सी चीज थी वो बताया है और उसके वेट्स कितने बोर्स थी, राइस। ओके ओके टंग, ओके स्टूडेंट्स, सभी चीज की यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि 1 kg का कितना वेट्स, 1 kg 100 kg यानी 100। ओके, 100 kg। ओके, सो यहाँ पे क्या बताया है, 1 kg का क्या होगा 100, सो यहाँ पे कितनी बोरी बताइए, 5। ओके, जो फाइव बताइए, जैसे कि 5 यानी 1 kg का क्या होगा 100, तो 5 का 500। ओके, जैसे कि अ सेक ऑफ राइस यानी 3 के कितने कितने राइस है, 3, जैसे कि 135 1 का है तो 3 का कितना होगा 135, जैसे कि आपको आपके टोटल करते जाना है, उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी देखो, यहाँ पे मैं आपको करवाती हूँ, जैसे देखो, जैसे कि 35 उसके पास एक की प्राइस है लेकिन क्या है 3, तो यहाँ पे हम देखते हैं, चलो यहाँ पे हम प्राइस करती हूँ, देखो सॉरी 35 प्राइस एंड 3 पोरी, यानी 5, ओके 5 3 सॉरी यहाँ पे 3 है। ओके, जो 3 5 3 जा 15 ऊपर 1, ओके जैसे 3 3 जा 9 एंड
10, जैसे 10, 10 यानी 105, ओके स्टूडेंट्स, जिस आंसर क्या आएगा 105, जैसे कि यहाँ का वाटर रंग कितनी है 1, इसकी प्राइस कितनी है 50, यानी 1 की 50, तो 50 होगी, यहाँ पे अलमारी कितनी है 1, ऑल प्राइस 70, सो 1 की 1, 70, एंड नेक्स्ट और टेबल, टेबल कितनी है 3, सो कितनी प्राइस है 10, तो 3, 10, 3 जा 30, ओके, जैसे चेयर कितनी है 4, 1 की 5, जैसे 5, 4 जा 20, ओके, और मैट्रिस जैसे कितनी है 2, कितनी प्राइस है 20, सो क्या होगा बताओ 20 2 जा 40, यानी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, देखो 20 मल्टीप्लाई 2, ओके, यानी 2 2 0, ओके, 2 2 जा 4, कितना क्या आंसर आया 40, ओके, यानी अब क्या है बाबू लेड, ओके, जो कितनी है 1, प्राइस 0, यहाँ पे 10, 10 का 1 प्राइस की 10, ओके, पोट्स एंड पेंस कितने हैं, कुछ भी नहीं, उसकी प्राइस क्या थी 10, जो एक ही था, जो यहाँ पे 10 का 10, ओके, और यहाँ पे ये सब का हमें टोटल करना है, जो आंसर का टोटल क्या आएगा 1835 टोटल वेट्स, ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमें ये करना है कि 1835 जो वो इस हॉर्स कार्ड्स में है, लेकिन वो कितना ज्यादा कितनी बार ले सकता है, जैसे कि 700, ओके, सो यहाँ पे कितने ज्यादा है जो हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट देखेंगे, ओके, विच थिंग्स विल बी रिमूव सो दैट द वेट्स ऑफ द लॉट इन इज नॉट मोर देन 700 केजीस, ओके स्टूडेंट्स, सो ये इसका हम सम करेंगे, ओके, अब देखो यहाँ पे द वेट सोल्स बी रिमूव द मेक्स द वेट्स इक्वल टू 700 केजी, ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे बताया कि हमें इस हॉर्स कार्ड्स में से कुल 835 जो हमें बताया है करेगा केजी, जो उसके हमें वो उसमें हैवी वेट है, जो उसमें से हमें निकाल के 700 करवानू छे, जो हमें ये हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो टोटल वेट्स कितना है 835, ओके, सो 835 केजी माइनस हमें कितना चाहिए 700, जो 700 इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पे 1835 एंड 7, ओके, सो देखो यहाँ पे 5 5 3 3 8 में से 7 निकालोगे तो कितना बचेगा 1, ओके, सो आंसर क्या आया 135 केजी, जो हमें इतनी यहाँ से हमें इस हॉर्स कार्ड्स में से हमें 135 निकालना है, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, अब देखो कौन सी चीज हम निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ओके, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया था कि द वेट्स ऑफ 3 सेक्स ऑफ राइस कितनी थी, कितने थे राइस 3 थे सेक्स, तो उसकी प्राइस कितनी थी 35, सो उसमें 3 है तो हमें वो 3 निकालना होगा, जैसे कि उसकी प्राइस 3 मल्टीप्लाई हमने किया था तो 5 3 15 एंड 1 3 3 9 एंड 10 कितनी प्राइस हुई 135, ओके, सो नेक्स्ट एंड द वेट्स ऑफ 3 टेबल्स, जैसे कि 3 टेबल है सो 3 3 हमें ज्यादा चीज है उसे हमें निकालनी होगी, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 10 यानी 3 3 जा 30 यानी 3 हो गया 33, जो ज्यादा चीज है उसे हमें निकालनी होगी, जैसे कि टोटल वेट्स ऑफ दिस थिंग्स जो हमें यहाँ से हमें प्लस करना पड़ेगा, जो कितनी चीज हमें यहाँ उसमें से निकालनी पड़ेगी, जैसे कि 135 केजी जो कितनी है सेक्स और राइस, एंड नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट वेट्स ऑफ टेबल्स, टेबल्स की कितने केजी है जो 30, जो टोटल यहाँ पे करेंगे हम 3 एंड 35 3 एंड 1 कितनी हुई 135 केजी, जो हमें उसमें से 835 में से हमें निकालनी पड़ेगी, जैसे कि सो इफ दे रिमूव 3 सेक्स ऑफ राइस एंड 3 टेबल्स देन द वेट विल बिकम 700 केजी, जैसे कि उस हॉर्स कार्ड्स में से हमें 135
केजी हमें उसमें से निकालनी होगी, जो टोटल कितना होगा तो जो हम निकालेंगे तभी उसमें 700 केजी होगा। ओके स्टूडेंट्स,